मैं हूँ नागलोक का नागराज। मैंने 700 साल तक तपस्या की थी, जब जाके मैंने ये नागमणि हासिल की है। अब सारे नागों में शक्तिशाली हूँ मैं, अब इसे कोई नहीं छीन सकता। नागलोक का नाग सभी बुरे आदमियों में लगा दूंगा आग। अब कोई भी जालिम इंसान मुझसे नहीं बच पाएगा। अरे मेरी नागमणि कौन ले गए? अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो लड़का मेरी नागमणि ले गया, मुझे अब किसकी मदद लेनी चाहिए? लगता है मुझे बालवीर की मदद लेनी पड़ेगी। बालवीर कहाँ हो तुम? बालवीर मेरे सामने आओ। बालवीर तुम आ गए? आ गया। वो लड़का मुझसे चिंगारी मेरी मणि लेके जा चुका है, और वो उसका गलत उपयोग भी कर सकता है। नागमणि 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 से तो वो कुछ भी कर सकता है, परी लोग को नष्ट भी कर सकता है, दुनिया को नष्ट कर सकता है वो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उससे तो मेरी भी लड़ाई है, चलो दोनों अपनी पावर देख चुप कर देते हैं, चलते हैं उससे लड़ने। नहीं बालवीर, उससे अमर नहीं हो पाओगे तुम, उससे तुम्हारी ताकत कम और हो जाएगी। दे दो वो नागमणि नागराज को। नहीं, ये नागों के लिए बनाई है ऊपर वाले ने, तुम्हारे लिए नहीं। बालवीर नहीं, नहीं मानोगे? नहीं तो तुम्हें अब दिखानी पड़ेगा। हे अटकादी परी, दे इसे वार पे वार और दिखा दे इसे अच्छाई में कितनी ताकत और बुराई में। अब भी कह रहा हूँ, मेरी बातों को मान जाओ। दूध में बड़े चावलों को खीर कहते हैं, जो बुराई से लड़े उसे बालवीर कहते हैं। अच्छा बालवीर, अब इसको दिखाई देते हैं। बिल्कुल चलो। हे विजदात परी, इसने अपनी शक्तियाँ बहुत देख ली हैं, तो इसे हमारी शक्तियाँ को अभी अंदाजा दिखा दो। मैं अब भी कह रहा हूँ, एक बार में ही गिर गए। अच्छा चलो अब दोनों एक साथ मिलकर वार करते हैं। बाजी अब मेरी तो पावर देखो। चिंगारी अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो एक साथ दोनों पार करते हैं। एक और, एक और। देखा ना, हमारे सामने तुम नहीं टिक पाओगे। दे दो मेरी नागमणि। अब मैं तुम्हारी बार मारूंगा। नागलोक का राजा बालवीर। अब मैं शुक्रिया बालवीर, मैं अब जाता हूँ अपने नागलोक को।